Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय सम्राट के पास 800 से ज्यादा जहाजों की सेना थी? हजार साल पहले राजेंद्र चोला ने इस नौसेना की सुप्रीम पावर की मदद से चोला साम्राज्य को इंडोनेशिया तक फैलाया। ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिक पीडिया का ये वीडियो। ऐसा माना जाता है कि चोला डायनेस्टी की शुरुआत कावेरी नदी के पास 3rd century BCE में हुई और 9th सेंचुरी तक चोला डायनेस्टी एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाले इस साम्राज्य ने ना सिर्फ भूमि पर बल्कि समुद्र पर भी अपना दबदबा बनाए रखा, खासकर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज पर। कावेरी नदी के चारों तरफ पांड्या, छेड़ा और पल्लव डायनेस्टीज भी राज करते थे। समय समय पर इनके बीच घमासान युद्ध होते थे, लेकिन 9th सेंचुरी तक चोलाज ने अन्य डायनेस्टीज को हराकर पूरा दक्षिण भारत जीत लिया। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और कला के क्षेत्र पर भी अपनी मोहर लगा दी। उन्होंने नौसेना का विस्तार करने का सोचा और इस कारण पूरे दक्षिण भारत के कोस्ट लाइन पर अपना कब्जा कर लिया। चोलास की चीन और अरब देशों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। चीन की ओर जाने वाले व्यापारिक जहाजों को इंडोनेशिया के पोर्ट से गुजरना पड़ता था, जो उस समय चोलास के दुश्मन श्रीविजय साम्राज्य के राजा राजा संग्राम के कंट्रोल में था। इसी कारण चोलास के जहाजों पर लगातार समुद्री पायरेट्स हमला करते थे। समुद्री पायरेट्स के बढ़ते डकैती को रोकने के लिए चोलास ने अपनी नेवी को और अधिक मजबूत करने का फैसला किया। चोलाज ने नई टेक्निक के जहाज बनाने शुरू किए, जो बहुत मजबूत थे। ये जहाज बड़ी कुशलता से लकड़ी की फाटों को नारियल की रस्सियों से सिलकर बनाया जाता था। सदियों तक समुद्र पर राज करने की वजह से चोलाज विशाल जहाजों का निर्माण करने में एक्सपर्ट हो गए। कई तरह के खास फाइटर शिप्स डिजाइन किए गए, जो स्पेशल ऑपरेशंस में काम आते थे। इन जहाजों पर कैटापुल्ट्स और फ्लेम थ्रोअर्स जैसे एडवांस वेपन्स के साथ साथ वॉर में यूज होने वाले कई हाथी और घोड़ों को भी रखने की कैपेसिटी थी। कई जहाज तो इतने विशाल थे कि उनमें 500 से अधिक सैनिक वॉर के लिए यात्रा कर सकते थे। चोलास की सोच अपने टाइम से बहुत आगे थी। आज के जमाने की तरह उनके कमांडर इन चीफ चक्रवर्ती भी बहुत पावरफुल होते थे। वो इंडिपेंडेंट रूप से नौसेना की देखरेख करते थे। राज्य की रक्षा के लिए उनका अपना एक कस्टम्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और कोस्ट गार्ड भी था। नौसेना में ट्रेन्ड पर्ल ड्राइवर्स को लिया जाता था, जो दुश्मन जहाजों के रडर को नष्ट करने का काम करते थे। इतना ही नहीं, वो मछुआरों को भी सैनिकों जैसी ट्रेनिंग दिया करते थे। चोलास के पास दुश्मन की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए स्पेशल वॉर फॉर्मेशंस और स्ट्रेटजीज थी, जिसका अन्य देशों के पास कोई तोड़ नहीं था। 800 से 1000 वॉरशिप्स और 1 मिलियन नेवल सोल्जर्स और सेलर्स के साथ चोला नेवी एशिया की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पावरफुल नेवी बन गई। चोला नेवी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय सम्राट राजाराज चोला वन और उनके बेटे राजेंद्र चोला को जाता है। सन 1025 में राजेंद्र चोला अपनी एडवांस नेवी के साथ अपने पुराने दुश्मन श्री विजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए निकले। सम्राट संग्राम अपनी सेना के साथ उत्तरी इंडोनेशिया के मलक्का स्ट्रेट में युद्ध के लिए तैयार थे। घनघोर बरसात के मौसम में बड़ी वीरता और साहस के साथ राजेंद्र चोला ने अपनी नौसेना के साथ दक्षिण इंडोनेशिया के संडा स्ट्रेट की तरफ से सरप्राइज अटैक किया। ये अटैक इतने एक्यूरेसी के साथ किया कि राजा संग्राम संभाल ही नहीं पाए। चोला सैनिकों ने श्री विजय की राजधानी पेलम्बांग यानी इंडोनेशिया को चारों तरफ से घेर लिया और अन्य शहरों पर भी कब्जा जमा लिया। इस तरह चोला नौसेना की मदद से श्री विजय साम्राज्य ने चोलास के सामने घुटने टेक दिए। एक एक कर चोलास ने श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह उनका परचम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में लहराने लगा। 2014 में भारतीय नौसेना ने राजेंद्र चोला के राजा बनने के 1000 साल को सेलिब्रेट किया। आज भारतीय नौसेना जो भारत की शक्ति का प्रतीक है, चोलास की शक्तिशाली नौसेना से इंस्पिरेशन लेती है।